So I'm available. So once again, welcome to this class. Now we are going to have some more discussions on logic, and as discussed earlier, I will summarize what we have done so far, and after that we'll proceed further. The first thing you need to know in logic is the definition of logic. So what is the definition of logic? Logic is the study of those methods and principles which are used in distinguishing correct from incorrect reasoning. This must be clear to you. That is, what is logic? Logic is the study of those theories, those methods which are employed in making the difference between correct and incorrect reasoning. That means that the domain of logic is reasoning. And what is the meaning of reasoning? Meaning of reasoning is argument. तर्क शास्त्र का संबंध उन सिद्धांतों और पद्धतियों से है जिनका प्रयोग उचित युक्ति और अनुचित युक्ति अर्थात सही युक्ति और गलत युक्ति में अंतर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तर्कशास्त्र का संबंध युक्ति से है, तर्कशास्त्र का संबंध युक्ति से है और ऐसी युक्तियों में अंतर करने से है जो युक्तियां प्रयोग में आती हैं। इन युक्तियों में कुछ युक्तियां सही होती हैं, वैध होती हैं और कुछ युक्तियां अवैध होती। Some arguments are valid and some arguments are invalid. So, logic basically provides theories, criterion, methods on the basis of which valid reasoning can be differentiated from invalid reasoning. वैध युक्ति को अवैध युक्ति से अलग करने के लिए जिन सिद्धांतों, पद्धतियों, मापदंडों, थ्योरीज, मेथड्स एंड क्राइटेरियन का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन लॉजिक में होता है, तर्कशास्त्र में उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। सो ब्रीफ में अगर कहा जाए तो क्या है कि तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र जो है वह ऐसी थियोरीज का अध्ययन है जिसके माध्यम से हम वैध युक्ति और अवैध युक्ति में अंतर करते हैं, सही तर्क और गलत तर्क में अंतर करने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उसे तर्कशास्त्र कहते हैं। Logic is the study of reasoning from the perspective of making the difference between what is valid and what is invalid. And for making this distinction between valid and invalid, logic provides its own theories, its own criterion, its own method. So, there are many things in this definition of logic which you have to study throughout your study. Now what are those things? First thing is that you have to make the distinction between valid and invalid reasoning. So reasoning is one thing, that is reasoning is argument. But the point is that what is an argument? This we have to see. What is an argument? युक्ति क्या है? क्योंकि युक्ति तो आपको जब पता होगी तभी तो वैध और अवैध में अंतर कर पाएंगे। So युक्तियां दो प्रकार की होती हैं, इसको हम briefly discuss कर चुके हैं।
आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव आर्गुमेंट एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट। कुछ दार्शनिकों ने इंडक्टिव आर्गुमेंट का प्रयोग किया है और कुछ दार्शनिकों ने डिडक्टिव आर्गुमेंट का प्रयोग किया है। जैसे ह्यूम के फिलॉसफी में यू विल फाइंड इंडक्टिव आर्गुमेंट, फिलॉसफी ऑफ मूर, फिलॉसफी ऑफ डेविड ह्यूम कंटेन्स इंडक्टिव आर्गुमेंट, फिलॉसफी ऑफ डेकार्ट कंटेन्स डिडक्टिव आर्गुमेंट। डेकार्ट में आपको मिलता है निगमनात्मक पद्धति और ह्यूम में आपको मिलती है आगमनात्मक पद्धति। तो ये अंतर है, एक बात तो ये है। दूसरी बात हम डिस्कस कुछ कर चुके हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, निर्बाधिक न्याय वाक्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, प्रतिज्ञप्ति क्या होती है, वाक्य क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी कि प्रतिज्ञप्ति को कैसे हम परिभाषित करें, वाक्य को कैसे परिभाषित करें और इन दोनों के बीच में अंतर को हम कैसे बताएं। अगर किसी को समस्या हो तो इसके साथ साथ और भी बातें हैं डिस्कस करने लायक है। जैसे उदाहरण के द्वारा एक्सरसाइज आपको करना है, आप एग्जांपल्स के द्वारा किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे अपने उदाहरण के द्वारा कि वाक्य और प्रतिज्ञप्ति में अंतर होता है। सभी लोग इसको आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू हैव योर ओन एग्जांपल्स सर, स्टडी आई गेव सम एग्जांपल्स, स्टडी आल्सो आई गेव यू सम एग्जांपल्स, आई गेव एग्जांपल ऑफ हिंदी सॉन्ग, आई गेव एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक, आई गेव एग्जांपल माय एग्जांपल ऑफ इट्स रेनिंग आउटसाइड। So, similarly, you can have your own example and clarify the distinction between sentence and proposition. This is the basic difference, basic understanding, basic conceptual clarity that you have to have in the very beginning in this course. जो कि पूरा आपको काम आएगा हमेशा के लिए। There should not be any confusion between sentence and proposition. And then, what is sentence? Sentence belongs to language, proposition belongs to option, does not belong to any language. Now, this is one basic difference. Propositions are invisible, sentences are visible, because sentences belong to language and proposition does not belong to any. And no proposition belong to any language. So, after this, I basically discuss with you what is the structure of a proposition, and in that context we have discussed that a proposition's structure is like that, consists of first quantifier, the subject, then copula, and then predicate. Then we have discussed as to what is A proposition, what is I proposition, what is E proposition, what is O proposition. And then I have clarified that each categorical proposition, if it is put in this structure, then only then it is categorical proposition, otherwise it is a proposition which is not in categorical form. So you need to see the difference between categorical proposition and non-categorical proposition. For example, hypothetical proposition, in which there is a use of if and then. So those propositions which are having if and then, they are basically hypothetical propositions and they are not
कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। जिस प्रतिज्ञप्ति में यदि हेतु लगा होता है वह हेतु हेतु मद वाक्य होता है, हेतु हेतु मद होता है वो प्रतिज्ञप्ति जो है वो कैटेगोरिकल नहीं होती है, हेतु हेतु मद वाक्य होता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस कह सकते हैं। देन आई मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज फोर काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन, ए ई आई ओ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अस्व्यापी स्वीकारात्मक, अस्व्यापी निषेधात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने कही आपको, वो ये है कि ये जो दोनों टर्म होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, ये जो है किसके बारे में होते हैं, वर्ग के बारे में होते हैं, क्लासेस के बारे में होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है आल एस पी, नो एस एस पी, सम एस एस पी एंड सम एस इज नॉट पी। तो इसमें यस और पी जो है वो क्लास यस के बारे में और क्लास पी के बारे में है, और क्लास कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है हमने, उसको हमने डिफाइन किया है क्या है क्लास कॉन्सेप्ट किसी वाल नो। नाउ आफ्टर दिस वी हैव लिटिल डिस्कशन अबाउट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। टुडे अगेन लेट अस डिस्कस अबाउट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड लेट अस गेट क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एज टू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, परंपरागत विरोध वर्ग। परंपरागत विरोध वर्ग में चार प्रकार के संबंध हैं, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ रिलेशन, फोर काइंड्स ऑफ अपोजिशंस है अदर कैन से, एंड विरोध जो है ये चार प्रकार का है। परंपरागत विरोध वर्ग को एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी कहते हैं, अरस्तु का परंपरागत विरोध वर्ग भी कहते हैं, इसलिए कि इसको अरस्तु ने दिया। तो इसके जो अपोजिशंस हैं, इसके जो चार प्रकार के जो इसके जो संबंध हैं या फिर इसके जो विरोध हैं चार प्रकार के, तो सबसे पहला हमने आपको शायद कुछ डिस्कस किया, पहला है व्याघात, द फर्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरीज। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ओ प्रोपोजिशन एंड E and I proposition, and the relation is called Vyaghat, contradictory. Square proposition means Vyaghat. Then what is Vyaghat? This we have to clear. We have to get clear about this concept as to what is Vyaghat. Let us make it clear a little more as to what is Vyaghat, what is contrary. Let us get it more specified about this concept, and then we can have. They are called contradictories. So you make the distinction between various kinds of oppositions. One is Vyaghat,
Vyaghat is contradictory, and in this, if A proposition is true, then O is false, and if O is true, then A is false, and if E is true, then I is false. And so this you must be clear. This is the one. It is contradictory. And then contrary. Contrary is between A and E kind of proposition. And then subcontrary between I and O kind of proposition. So I suppose that you know this. Contrary. Then subcontrary. What is the definition of contrary? Definition of contrary is that both cannot be true together. कॉन्ट्रेरी की डिफिनेशन है दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते. और सब कॉन्ट्रेरी की डिफिनेशन क्या है? बोथ कैनॉट बी फॉल्स टुगेदर. दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते. और सबअल्टरनेशन की डिफिनेशन क्या है? The truth value of I and O is to be determined by the truth value of A and E respectively. So suppose now if I ask you that if A is true, and this exercise is given at the end of your square of opposition topic. If A is true, then what will happen to E? What will happen to E? What will happen to O? What will happen to I? And if O is false, then what will happen to E? What will happen to O? And what will happen to I? So you have to understand it as to what will happen. You have to be very, very, very clear about this square of opposition relations, and if you are very clear about this, then only we can proceed to conversion, abortion and contraposition. There are other immediate inferences. Mind it, a square of opposition means that immediate inference. What is called immediate inference and what is called mediate inference? This you have to be very clear. Mediate inference means that the inference in which you are assisted by two premises. An immediate inference means in which you are not assisted by two premises, but just on the basis of one premise you get the conclusion. So in Aristotelian square of opposition or traditional square of opposition, you draw inference just on the basis of one premise. That is, if you know the truth value of a proposition, then you can find out the truth value of all other three propositions in the square of opposition. What is Hindi of immediate inference? अव्यवहित अनुमान. What is Hindi of mediate inference? व्यवहित अनुमान. व्यवहित अनुमान means that व्यवहित अनुमान क्या होता है कि वो दो आधार वाक्यों की मध्यस्थता से निष्कर्ष निकलता है. You get conclusion by way of interference of two premises. But in the case of immediate inference, you don't need two premises. अब व्यवहित अनुमान में दो आधार वाक्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती.
एक ही आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलता है आपको। तो जो परंपरागत विरोध वर्ग है उसमें व्यवहित अनुमान नहीं होता है। उसमें कैसा अनुमान होता है? अव्यवहित अनुमान होता है। अव्यवहित अनुमान क्यों होता है? क्योंकि जस्ट एक आधार वाक्य से आप निष्कर्ष निकाल लेते हो। और इसके बाद का टॉपिक आपका इसलिए आता है कि तीन और ऐसे अनुमान हैं जो कि अव्यवहित अनुमान है, इमीडिएट इन्फ्लुएंस है। कौन कौन सा है? कन्वर्जन, अबोर्जन, कंट्रपोजिशन, जो कि एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बाहर है, उसे डिफरेंट है। तो मीडिएट इन्फ्लुएंस व्यवहित अनुमान और इमीडिएट इन्फ्लुएंस अव्यवहित अनुमान। तो ये अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अव्यवहित अनुमान इमीडिएट इन्फ्लुएंस का चल रहा है। इसमें आप ए ई आई ओ में से किसी एक प्रोपोजिशन की वैल्यू अगर जानते हैं, किसी एक प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू अगर जानते हैं, तो आप दूसरे किसी भी प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू के बारे में आप बता सकते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है कि इनडिटरमाइंड है। तीन वैल्यू है यहां पे, या तो सत्य है या तो असत्य है। अगर आप किसी भी कथन की ट्रुथ वैल्यू आपको पता है कि वो सत्य है या असत्य है, तो दूसरे प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू के बारे में आप बता सकते हैं कि दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू है कि फॉल्स है कि इनडिटरमाइंड है, अनिश्चित है। किसी भी इफ यू नो द इफ यू नो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन एज टू वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन यू कैन डिसाइड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एनी अदर प्रोपोजिशन इन द स्क्वायर ऑफ पोजिशन एज टू वेदर दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स और इनडिटरमाइंड। सारा का सारा प्लान स्ट्रेटेजी यही है। What is the strategy of square of opposition? Strategy of square of opposition is to find out the truth value of a particular proposition which is in categorical form from the truth value of a proposition whose truth value you know already. So, परंपरागत विरोध वर्ग की योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? परंपरागत विरोध वर्ग का उद्देश्य है कि किसी भी एक निरपाधिक प्रतिज्ञप्ति या न्याय वाक्य के सत्यता मूल्य को जानते हुए कि वह सत्य है कि असत्य है, आप अन्य तीनों प्रकार के निरपाधिक न्याय वाक्यों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के बारे में बता सकते हो कि वह सत्य है कि असत्य है कि अनिश्चित है। यहां पर ट्रुथ वैल्यू केवल सत्य और असत्य नहीं है बल्कि अनिश्चित भी है। अनिश्चित क्या है? मतलब कि उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो ट्रुथ वैल्यू हमें मिली हुई है किसी एक प्रोपोजिशन की, उस ट्रुथ वैल्यू से हम किसी पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू के बारे में या तो जान सकते हैं कि वह सत्य है या तो असत्य है, या तो अगर नहीं जान सकते हैं सत्य सत्य है तो इसका मतलब उसकी ट्रुथ वैल्यू हम कहेंगे अनिश्चित है। तो ये स्क्वायर प्रोपोजिशन की स्ट्रेटजी है जिसमें आपको जो ये अपोजिशंस दिए गए हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सबअल्टरनेशन, ये चारों आपको बाय डेफिनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इससे तो आप कर लेंगे और देन वी कैन एंजॉय मोर। आफ्टर दैट दिस स्क्वायर पोजीशन इज ओवर, देन वी कैन गो टू अदर इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट नाउ कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडेज़ क्लास।